नमस्कार, मैं हूं आयुषी वत्स और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज़। और एक नज़र झारखंड की खबरों पर। रांची में हो रहा कोरोना विस्फोट, डोरंडा के सेंट एथनी के 6 स्टाफ, पीएनबी के मेन ब्रांच में 27 और मेकॉन में 14 नए पॉजिटिव मिले। सीएम आज ने लिया बड़ा फैसला। कोडरमा में जंगली हाथियों का उत्पात, खरीदे जाने से भाग रहे थे हाथी, वृद्ध को अकेला पा कुचल कर मारा, परिजनों ने मुआवजे की मांग पर किया हंगामा। चाईबासा में महुआ चुनने के दौरान भालू ने किया हमला, पत्नी ने भागकर बचाई जान, भालू ने फाड़ दिया था युवक का पेट, मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे में 6 माह के बाद पहली बार मिले 1088 नए पॉजिटिव। रांची में 569 10 की मौत भी। झारखंड में मौसम अगले 2 दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा झारखंड का तापमान, 8 से छाएंगे बादल, हल्की बारिश के भी आसार। गढ़वा में मां ने काम पर जाने को कहा तो बेटे ने पहले गला दबाया फिर डंडे से पीटकर हत्या कर दी। कोरोना से बिगड़ने हालतों पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बोले, मानता हूं कमी रह गई पर वैक्सीन 3 दिन में आएगी, 7 दिन में 1000 अतिरिक्त बेड होंगे। रेल मंत्रालय से गोड्डा नई दिल्ली हमसफर ट्रेन का उद्घाटन 8 को, सीएम को आमंत्रण नहीं, सीएम ने फोन कर जताई आपत्ति। महिलाएं बनी आत्मनिर्भर, मशरूम का उत्पादन कर महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर, बाजार में उतारने की तैयारी। यात्रियों को बस स्टैंड से पहले उतारने पर अब होगा कार्रवाई, डीटीओ ने बस संचालकों के साथ बैठक कर दी चेतावनी। राजेश मलिक हत्याकांड का खुलासा, दिल्ली में घर का मालिकाना हक मिलते ही पत्नी ने कराई पति की हत्या, महिला समेत 3 गिरफ्तार। पलामू में NH 39 पर हादसा, 6 माह की बेटी का इलाज कराने आ रही मां की सड़क हादसे में मौत, बाइक सवार पति और बच्ची जख्मी। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला, लालू यादव से जुड़े चारा घोटाले का आखिरी मामला फैसले के नज़दीक, कोरोना के कारण सुनवाई टली, अगली डेट 9 अप्रैल को। पलामू के मनातू में कांग्रेस चली गांव की ओर, सदस्यता अभियान के माध्यम से आम जनता को किया गया एकजुट, रुद्र शुक्ला ने कहा। पलामू के तरहसी प्रखंड अंतर्गत के तरहसी मिडिल स्कूल के पास नरेश राम के आवास में प्रातः 9:30 बजे स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया, सभी सम्मानित भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में प्रातः 10:20 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी एवं प्रातः 10:30 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनसे पहले प्रदेश स्तर के नेताओं को संबोधन हमें प्राप्त हुआ। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।